इस वर्ष महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी नागपुर की ओर से 31 जुलाई के रोज नागपुर शहर स्थित रवि भवन में पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अहम बैठक बुलाई। बैठक में 2024 के विधानसभा चुनाव के कई मुद्दों पर चर्चा की गई और यह घोषणा भी की गई कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आने वाले चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आदेश भी दिया गया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से यह भी याद दिलाया गया कि यदि कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता टिकट ना मिलने की सूरत में अपक्ष चुनाव लड़ने का प्रयास करता है तो उसे आम आदमी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी आम आदमी पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष अजिंक्य कड़म्बे ने बैठक में चर्चा के दौरान दी। सबसे पहले तो आपके महा न्यूज़ 7 के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और आम आदमी पार्टी की तरफ से आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने जैसे कहा कि रवि भवन में आज मीटिंग चल रही है, तो ये हमारे जो नागपुर के जो पदाधिकारी है उनकी ये मीटिंग है, उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, पार्टी की ये स्ट्रैटेजी है, तो उसमें आपके फीडबैक चाहिए। ये मीटिंग हमारे लोगों की फीडबैक वाली मीटिंग है जिसमें हम हमारे सजेशन उनके सजेशन लेके ये सारा हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो आपको पता है कि वो मुद्दों पे ही काम करती है, काम की राजनीति यानी उनका एजेंडा ही काम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मीटिंग में हम वो काम के बारे में डिस्कस से ज़्यादा हम इलेक्शन कैसे मजबूती से लड़े उस पर चर्चा होंगी। उसके बाद जो केजरीवाल साहब की गारंटी है उस पर महाराष्ट्र की टीम काम कर रही है और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, जल्दी दिखेगा कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी आपको पूरे नागपुर में और महाराष्ट्र में आपको हर जगह दिखेंगे। ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं है, ये पदाधिकारियों की मीटिंग है। तो हमारे नागपुर में ऑलमोस्ट 100 लोगों की पदाधिकारियों की मीटिंग है। यहाँ पे 60-70 पीपल अभी ऑलमोस्ट आ गए हैं, तो अभी हमारी कुछ ही देर में 15-20 मिनट में मीटिंग शुरू होगी और उसके साथ हम इस मीटिंग का सारा कंक्लूजन निकाल के हम आप सबको बताएंगे। आम आदमी पार्टी आने वाली विधानसभा चुनाव में नागपुर से 6 के 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, मजबूती से लड़ेंगी। जिस हिसाब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2017 में 38 प्रभाग थे, उसमें मोटा मोटा 35 से ज़्यादा प्रभागों में हमारी बॉडी बन चुकी है। हर बूथ पर हम लोग हमारे जैसी मान लो कि हर विधानसभा में 300 या 350 बूथ है, तो हम 200-250 बूथ तक पहुंच गए। हम बाकियों को भी जल्दी से जल्दी कवर करते हैं, हम एक बड़ा कैंपेन नागपुर में लॉन्च करें। देखिए कि वो एक अलग मैटर है, हमारे नेता लड़ रहे हैं, हमारे नेता 2 साल से इस पर लड़ रहे हैं। आप देखे होंगे महाराष्ट्र में कि आधे से ज़्यादा लोग वो वॉशिंग मशीन में चले गए और धुल गए, बट हमारे नेता आप समझ सकते हैं कि हम जो बात करते हैं ईमानदारी की वो क्या है। बात रही दूसरों को न्याय दिलाने की, हम दिल्ली और पंजाब में काम कर रहे हैं, आप पंजाब में हमारा काम देख लीजिए, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल फ्री आता है। उसके साथ साथ हर गांव में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, हर विधानसभा में बड़ी स्कूल बन रही है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है, तो उसके बाद MSP मिल रहा है। तो काम पंजाब में और दिल्ली में हो रहा है, हम महाराष्ट्र में आएंगे, हम नागपुर में आएंगे, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम भी इसी तरह का काम इस महाराष्ट्र में करेंगे। धन्यवाद। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हां, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।